तो गाइज फाइनली आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब कैसे स्टार्ट किया और मैं कितने दिनों से यूट्यूब कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे क्यों आया। हे गाइज, दिस इज सेवान अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब पे कैसे आया, क्यों आया और आज मैं यूट्यूब पे क्यों हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी सेवानंसारी 43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, 2016 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम लिखा था और उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब मैं काम करने लगा, वहां पे कुछ ऐसे वीडियोस थे जो मुझे लोगों को दिखाने थे YouTube के द्वारा, लेकिन मैं दिखा नहीं पाता था क्योंकि YouTube पे अपलोडेड वीडियो नहीं थे, यानी कि अगर कोई अपलोड उसे करेगा ही नहीं तो वो आएगा कैसे, तो इसीलिए YouTube पे नहीं मिलता था। तो मैं जब वीडियो देखता था सीखता था कि भाई काश कोई समझाने वाला होता, और YouTube के अंदर उस टाइम बहुत सारा वीडियो नहीं था, कुछ ही वीडियो था जिसे हम लोग देख के मोटिवेशन लेते थे और वहाँ से कुछ सीखते थे। फिर जब मैं प्रोग्राम में गया 2017 या 18 मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है, और जब 2017 या 18 के अंदर एक वीडियो जो कि मैं तालकटोरा स्टेडियम में शूट किया था अपने फ़ोन से, ओप्पो F5 मेरा एक मोबाइल था, उससे मैं वीडियो शूट किया और उस वीडियो को मैं डाल दिया YouTube के अंदर, और उस वीडियो से इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने लगा, वहाँ पर बढ़िया व्यूज़ आने लगा, मुझे लगा यार ये वीडियो तो चलने लगा, वायरल होने लगा। और उस टाइम पता है मेरे जो कुछ अप्लाइंस थे वो मुझे मना करने लगे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये सब नहीं करना है, नहीं डालना है, ये वो, लेकिन उस टाइम हम थोड़ा इग्नोर किए क्योंकि भाई उस टाइम मुझे मज़ा आने लगा था, क्योंकि भाई लाइक्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, वीडियो में व्यूज़ आ रहे थे, मुझे उस टाइम इंटरेस्ट आने लगा, मज़ा आने लगा। फिर धीरे धीरे मैं स्पीच को डालने लगा, मुझे ये नहीं पता था कि यूट्यूब से पैसा आता है, यूट्यूब में आपका फैंस बनेंगे, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके ये होंगे वो होंगे, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि मुझे यूट्यूब में वीडियो डालने हैं और लोगों को वहां से दिखाने हैं, तो इसी वजह से मैं वीडियो को डाला था। फिर धीरे धीरे करते करते ऐसे मैं वीडियो डालने लगा, और जब वीडियो मैं डाला तो वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से चलने लगा। फिर कुछ दिन के बाद यानी कि 2018 के लास्ट में होने क्या लगा कि वहाँ पे मेरा जो है एड आने लगा, और जब एड आने लगा तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गया, बहुत मज़ा आने लगा मुझे, मतलब अंदर से मैं खुश हो गया। उसके बाद जब वहाँ पे एड चलने लगा, फिर मैं देख रहा हूँ तो दूसरा दिन वो एड बंद हो गया, मैं सोचा यार ये क्या हो गया। तो फिर अब सर्च मारने लगे, तब मुझे पता चला कि यार अपना वीडियो को खुद ही देखोगे तो वो बंद हो जाएगा, तो फिर वो बंद हो गया। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद चलने लगा। फिर सितंबर से मेरा जो है डॉलर बनना स्टार्ट हुआ बढ़िया तरीके से, 2019 के सितंबर से मेरा डॉलर बनने लगा। फिर कुछ ही दिन के बाद मेरा एक पेमेंट आया, फर्स्ट पेमेंट। आप लोग जानना चाहेंगे कितना मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था उस टाइम? मेरा फर्स्ट पेमेंट आया था, यूट्यूब में नहीं बताना होता है लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, मेरा $122 के आसपास आया था। तो आप लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम 70 या 72 के आसपास डॉलर का रेट था, तो आप लोग सोच सकते हैं 7-8 हज़ार के आसपास आया था। तो उस टाइम मेरा यूट्यूब से इनकम आया तो मुझे लगा यार यहाँ तुम कुछ किए ही नहीं है और यहाँ पर इनकम आ गया, ये तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मैं मन से वीडियो को डालने लगा, उस टाइम भी मैं फेस वीडियो नहीं डालता था, बस इसका उसका वीडियो को उठा कर डालता था। तो वैसे करते करते मेरा जो सब्सक्राइबर है वो 10 हज़ार के आसपास हो गया। फिर सेकंड इनकम आया, फिर थर्ड आया, फिर ऐसे करने लगे, फिर एक लॉकडाउन के आसपास एक इनकम आया, मतलब कभी $122, कभी $118, कभी $113, कभी $103। उसके बाद ऐसे ही करते करते मैं आप लोगों को, अगर मुझे वो स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर दूंगा कि मेरा कितना कितना पेमेंट है और कितना बार आया है। और जब मैं लॉकडाउन में वीडियो बनाने लगा, क्योंकि ये देखिए उस टाइम क्या था ना, मैं घर में बैठ के बोर हो गया था, और जब घर में बैठ के बोर हो गया तो उस टाइम सोचा यार यहाँ तो मैं ये वीडियो भी नहीं डाल सकता हूँ, मतलब आप लोग समझ रहे हैं स्पीच वाला वीडियो, क्योंकि उस टाइम तो एकदम अचानक से पता नहीं क्या हो गया, लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। तो उस टाइम होने क्या लगा ना कि लॉकडाउन लग गया, लोगों को समझ में नहीं आने लगा कि भाई क्या करें क्या नहीं। तो उस टाइम करने क्या लगे हम
की स्पीच वीडियो तो नहीं मिल रहा है, वेबिनार भी स्टार्ट नहीं हुआ था, जूम ऐप को उस टाइम लोग जानता नहीं था जब लॉकडाउन हुआ, उस टाइम शुरुआती टाइम में कोई नहीं जानता था जूम ऐप से ये होता है वो होता है, लेकिन लोग धीरे धीरे जानने लगे। तो वहाँ पे हमने किया क्या, मेरे को ग्रीन स्क्रीन चाहिए था, क्योंकि दीवार में जब तक हम ग्रीन स्क्रीन लगाएंगे नहीं, ग्रीन पर्दा लगाएंगे नहीं, तब तक तो हम अपना बैकग्राउंड को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम मैं अपना मम्मी का एक ओढ़नी लिया, ओढ़नी आप लोग समझ रहे होंगे, जो कि ग्रीन कलर में था, उसे मैं दीवार में लगाया और मैं वहीं से वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो मेरा जो क्वालिटी था इतना घटिया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किस तरीके से शूट करना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर मैं वीडियो बनाने लगा तो उस टाइम हुआ क्या, आप लोग को हंसी आएगा, कसम से मैं कहता हूँ, वीडियो में जो मेरा व्यूज था ना वो 50 आए, कभी 100 आए, कभी 200। हमको लगा यार, हम तो सोच रहे थे कि हम कुछ भी बोल के डाल देंगे तो लोग यार इसको वायरल कर देगा, देखने लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 3 महीना मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे इसी व्यूज के साथ चलना पड़ा था, और मेरे जो डॉलर्स बन रहे थे इतना कम कि लोग डीमोटिवेट ऑलरेडी हो जाता वहां, लेकिन मैं वहां पे डीमोटिवेट नहीं हुआ। और वहां पे मैं क्या किया, वहां पे मैं वीडियोस बनाता गया, धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि क्वालिटी अगर नहीं दोगे तो व्यूज नहीं आएंगे, अगर आपकी वीडियोस में वॉइस बढ़िया नहीं रहेंगे तो व्यूज नहीं आएंगे, ये मुझे समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते मैं ओढ़नी में ही वीडियो बनाने लगा, धीरे धीरे इंप्रूव हुआ। उसके बाद जब लॉकडाउन खुलने लगा तो उस टाइम मैं किया क्या, मतलब 3 महीना के बाद फिर थोड़ा कुछ बहुत व्यूज आने लगा, बढ़िया तरीके से आने लगा, और मेरा जो सब्सक्राइबर था वो करीब 28,000 के आसपास था। फिर वो मुझे 6 महीना लगा उसको 30 पहुंचाने में। उसके बाद जब मैं ग्रीन स्क्रीन लिया, उसके बाद माइक वगैरह लिया, फिर धीरे धीरे मैं काम करने लगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, दो महीना के ही अंदर मेरा जो व्यू है वो कितना चला गया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग सुन के एक्साइटेड हो जाएंगे। व्यूज जो मेरा था वो 30 लाख, मेरा जो चैनल का जो ये होता है माइलस्टोन जो होता है वो करीब 30 लाख पहुंच गया, और मेरे जो सब्सक्राइबर थे जो कि करीब 30,000 थे वो 50,000 पहुंचने में मुझे टाइम नहीं लगा, और आज मेरे चैनल में 50,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और मेरा जो व्यूज़ है वो भी ऊपर वाली की ये से बहुत बढ़िया व्यूज़ भी आते हैं, सब्सक्राइबर भी आते हैं, और बहुत ही बढ़िया तरीके से अभी मेरा चैनल का जो ये है वो चल रहा है। तो ये मेरा इस तरीके से सफ़र था। और भाई मुसीबत की बात की जाए ना, तो मुसीबत तो आता ही है, जब आपके चैनल में व्यूज़ नहीं आएंगे, लाइक्स नहीं आएंगे, कमेंट्स नहीं आएंगे, तो आपको लगेगा यार पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं, कैसे करें, किस तरीके से करें। तो आपको वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं होना है, वहाँ पे आपको फाइनली तरीके से वर्क करते जाना है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाता, बोलता कि यार व्यूज़ तो आ ही नहीं रहे हैं, लाइक्स तो आ ही नहीं रहे हैं, सब्सक्राइबर तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे मैं काम को छोड़ देता। लेकिन वहाँ पे मैं काम को छोड़ा नहीं, वहाँ पे मैं काम को पकड़ा। कैसे पकड़ा, इस तरीके से पकड़ा कि भाई वीडियोस जो हैं मैं कभी कभी डालता था, मैं रेगुलर डालने लगा, रेगुलर। मेरा जो इनकम आता था पहले 3-4 महीना में, लेकिन आज अगर बात की जाए तो प्रत्येक महीना अगर हम मेहनत करेंगे, वीडियोस डालेंगे, बनाएंगे, तो प्रत्येक महीना आएगा। तो ये होता है, अगर आप कोई भी संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपके साथ ऐसा होगा, कंप्लीट तरीके से ऐसा होगा। तो भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आप यूट्यूब से कितना अर्न करते हैं, कितना कमाते हैं, और फाइनली मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ कि मैं कितना कमाता था, कितना कमाता हूँ, कितना ये है। और मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को शिखर तक पहुँचाएँ और इस वीडियो को वायरल करें, ताकि इस वीडियो को अगर आप वायरल करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं वर्क करने टाइम, वो शायद मोटिवेट हो जाए मेरे को देख के। तो भाई मेरा ये वीडियो इतना ही तक था, और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोगों को ये जानना था कि सर आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या इनकम है आपका, किस तरीके से है। तो भाई मैं बता दूं आप लोगों को, मेरा कार का इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है मुझे 12,000, और एक मेरा स्कूटी है उसका देना पड़ता है इंस्टॉलमेंट 3,000। तो लगभग मेरा मंथली खर्च की अगर मैं बात करूँ तो 15,000 मुझे मंथली खर्च है ये इंस्टॉलमेंट निकालना,
और करीब ये मैं सारा चीज YouTube के माध्यम से निकाल लेता हूँ। और ये अगर हो पाया तो आप लोगों के सपोर्ट से हो पाया। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते हैं, लाइक्स नहीं करते हैं, कमेंट्स नहीं करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर देते हैं, ये सारा कुछ नहीं हो पाता। ये सब सारा कुछ आप लोगों के सपोर्ट से हो पाया, तो मैं आप लोगों को दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं तक था और मैं ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है sebanansari43, आप उसे जाएं उसे फॉलो करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।